बजरंग पाग में अतिक्रमण को लेकर कामठी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। कामठी नगर परिषद सीमा के अंतर्गत आने वाले बजरंग पार्क में एक व्यक्ति ने मांग की है कि स्थानीय निवासी सड़क पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करे। बजरंग पार्क में एक व्यक्ति ने 10 फुट की सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर सड़क की जगह कम कर दी है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि अतिक्रमण हटाया जाए और सड़क को सुचारू बनाया जाए। इसी पृष्ठभूमि में स्थानीय नागरिकों द्वारा नगर परिषद में मुख्य कार्यकारी संदीप बोरकर को एक निवेदन दिया गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों ने बताया कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नागपुर के कलेक्टर को निवेदन दिया जाएगा। त्याच्यामुळे मी 17 तारखेला इथे नगर परिषद मध्ये कंप्लीट दिली, पण यांनी काही कारवाई केली नाही। तर आता जर यांनी कारवाई केली नाही तर मग मी कलेक्टरपर्यंत जाईल। नवसाद जाफरी यांनी माझ्या घरासमोर कंपाउंड वॉल बांधलेला आहे। बजरंग पार्क में नवसाद जाफरी नामक व्यक्ति ने जो रोड था, रोड को जो 10 फीट का रोड था उसको 5 फीट का कर दिया गया। उसको इनकी कंप्लेंट थी। कंप्लेंट होने के बावजूद भी नगर परिषद के लोगों ने सुध नहीं लिया, लोगों ने वहाँ पर आके देखा नहीं। आज से 5 साल पहले तो ऐसा था कि एक तोड़ू दस्ता था नगर परिषद के अंतर्गत, लेकिन वहाँ पर कोई भी याद आता था उसके गमेले पहाड़ उठा के लेकर आ जाता, काम बंद करा देते थे। यहाँ तक सूचना भी नहीं देते उसको बंद करने की, ऊपर से सेटलमेंट करके उसको ये कर देते थे। कामठी नगर परिषद में संदीप बोरकर जो सीओ आया है उसके समय से आज तक का आवक जावक रजिस्टर देखिए आप, उसके अंदर में कितने कंप्लेंट रहे अतिक्रमण के। ऐसे कई रोड है जिन्होंने बंद कर दिया लेकिन उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं, उसको तोड़े हुआ नहीं। कामठी नगर परिषद में रहने वाले लोग अतिक्रमण की चपेट में हैं। ऐसे बहुत से लोगों को टैक्स लगाकर वहाँ पर लोगों पर अन्याय कर रहे हैं। हमारी कामठी शहर वासियों से अगर से आने वाले समय पे बोरकर साहब अगर से हम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में नगर परिषद में हम लोग जो बजरंग पार्क में जो जाफरी नामक व्यक्ति ने जो अतिक्रमण किया है नगर परिषद में एक सूचना देने के बारे में उन्होंने बताया। 24 घंटे का हम एक सूचना पत्र देंगे, नहीं देने के बाद में जिला अधिकारी कार्यालय में जाकर हम वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ पर एक पत्र देंगे। पत्र देने के बाद उन्होंने अगर 48 घंटे के अंदर नहीं किया वहाँ पर स्थान पर सभी लोग मोहल्ले के लोग जाकर और हम लोग सब उनके साथ में रहेंगे, वहाँ जाकर वहाँ पर आंदोलन करेंगे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।